इमाम मालिक से बवक्त मर्ग पूछा गया था, कैफ़ तजिदु नफ्सका, क्या हाल है आपका? फरमाया, उकबज बैन औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों के दरमियान में मेरी रूह कब्ज हो रही, चारों तरफ शागिर्द बैठे थे। इल्लम यकुनिल उलमाओ वत्तुलबा औलिया अल्लाह फलेस लहू बादहुम वली इल्ला अन यकून ज़रवली। फरमाया, अगर उलमा और औलिया भी खुदा के दोस्त नहीं तो फिर कोई और दोस्त नहीं हो सकेगा। अल्लाहु अकबर। देखिए बयानुल इल्म ले इब्ने अब्दुल बर, वफात का किस्सा मालिक का। जा मिलिए मेरे नेक बंदों में, सुभान अल्लाह। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र का इक्तदार मिला, पैगंबर बाप और ख़ानदान शाम से आया और सब खुशियाँ नसीब हुई, तो क्या कहा? अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ्फनी मुस्लिमन वालहिकनी बिस्सालिहीन, मुझे नेक लोगों में मिला लीजिए। और सुलेमान को जो इतना बड़ा ताज व तख्त दिया गया, इंस और जिन और तुयूर उनके मुसख़र थे और सारे निज़ाम आलम को उनका ताबी किया गया, तो सुलेमान ने क्या दुआ की? रब औज़ेनी अन अशकुर नेमतकल्लती अनअमता अलैया वाला वालिदैया व अन आमल सालिहन तरदा व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक सालिहीन, नेक लोगों में मुझे भी रख लीजिए। आहा हा, सोहबती यक साथी बा औलिया बेहतर सद साल तात बेरिया, सोहबती साले तुरा साले कुरद और सोहबती ताली तुरा ताली कुरद। ख्वाजा ख्वाजा का निज़ामुल मिल्लत वद्दीन, निज़ामुद्दीन औलिया का पहला खलीफा दुनिया के अंदर, अमीर आला संजरी, अमीर आला संजरी, जिन्होंने ख्वाजा साहब के मलफूजात फवायदुल फुआद के नाम से जमा किए। ये अमीर आला संजरी ख्वाजा साहब की खिदमत में आने से पहले दिल्ली का मशहूर शराबी था, ख्वाजा साहब के पास भी आता था, बैठता था, लेकिन जब ख्वाजा साहब से फारग हो जाता तो दुम दबा के और जो करना था वही कर लिया। मजलिस वास तो तादेर रहेगी लेकिन ये मैं, ये है मैं खाना अभी पी के चले आते। एक दिन दिल्ली में जोहर की नमाज देर से होती, 3:30 बजे, ख्वाजा से भी उठे आए वजू करने और ये भी मस्त मय पंदार शराब में धुत वजू खाने की तरफ आ रहा है। ख्वाजा साहब की नज़र पड़ गई, ख्वाजा साहब समझ गए वो तो कामिल बंदे थे कि यार तो कुछ पी चुका है। उसको भी यकीन हो गया कि ख्वाजा साहब ने मुझे ताड़ लिया, तो शुरू हो गया, चीख पड़ा, हाँ आहा हा, क्या शेर कहे। उस हालत में ख्वाजा को देख के शेर पड़े, सालहा बाशद के माँ हम सोहबते, कितने सालों से मैं आपके साथ बैठता हूँ, सालहा बाशद के माँ हम सोहबते अज सोहबत हाँ असर बूदे को जास, आपकी सोहबत का कोई असर ही नहीं, जोहद शुमा फिसकस दिले मा कम न कर फिसके माया बेहतर जोहद शुमा, आपकी विलायत ने तो मेरा दिल धोया नहीं, ये मेरा फिसकी आपकी विलायत और जोहद से तकड़ा लग रहा है। साल हाँ बाशद के माँ हम सोहबते
अज सोहबत हाँ असर बुदे को जास और जोहद शुमा फिज कस दिली मा कम न कर फिस के माया बेहतर जोहद शुमा। ख्वाजा साहब ने दे के बगैर कहा मत अर्स सोहबती इंशाल्लाह असर ही दारत, डरना नहीं सोहबत काम दिखाएगी। बस आज के दिन मुकम्मल तो बनसीब हो गई इस एक जुमले में। फदखुली फी इबादी उस्ताज गरामी कदर हजरत बनोरी से बारहा सुना। जब हजरत के दौरे हदीस का साल था और मौलाना अनवर शाह से बहुत अलील हो गए और हकीम ने तजवीज किया कि चंद महीने के लिए देवबंद और फिजा छोड़कर कश्मीर तशरीफ ले जाए। असबाक शुरू हो चुके थे लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। शाह साहब रवाना हो गए तो देखा तो मौलाना यूसुफ बिन नूरी दौरे हदीस में ये साल है, उन्होंने भी बिस्तर बांधा। तो शाह साहब ने कहा आपका दौरा है आप कहाँ जा रहे हैं? कहा दौरे बहुत होंगे लेकिन अनवर शाह की खिदमत फिर नहीं मिल सकेगी। शाह साहब ने इजाज़त दी ठीक है चले चले आप साथ। फरमाया शाह साहब की खिदमत करते करते एक रात मुझसे पूछा क्या चाहिए मौली साहब? कहा तमाम उलूम फ़नून में बहुत कमज़ोर हूँ। शाह साहब ने कहा कोई घबराने की बात नहीं, जब सुबह हुई हर किताब में एक सबक पढ़ाया हर किताब में, और फरमाया अब इस किताब की शरह लिख सकोगे। हजरत ने फरमाया ताज्जुब की बात यह है कि चंद दिनों में वो किताब याद हो जाती पूरी की पूरी। सोहबती असरे दारत, नेकों की मजलिस की नेकी मुसल्लमाए। फद खुलीफी इबादी, जा मिली है मेरे नेक बंदों में। वद खुली जन्नती, और दाखिल हो मेरी जन्नत में। जन्नत जाने से पहले नेकों की मजलिस इख्तियार कर लो और बुरे लोगों से बचो।